गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, गेट और ESE के लिए, दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को पढ़ना क्या है, उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को टॉपिक क्या क्या है इसमें। देखो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स पे कवर करेंगे क्योंकि बेसिक्स इसका बहुत जरूरी है। बेसिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। इसमें पढ़ेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टर्म क्या होते हैं। उसके बाद इसी में पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मालूम चलेगा कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। कोई एक इक्वेशन दे देगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें पहचानेंगे कि कैसे हम लोग ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे और कैसे हम लोग डिग्री फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है। जब ये सारे पढ़ लेंगे तो अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो उसमें मेन हम लोग का यही टॉपिक स्टार्ट, मेन हम लोग का मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन में यही टॉपिक है। तो देखिए इसमें हम लोग को एक्चुअली पढ़ना है ना वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक। उसके बाद उसी में पढ़ना है हम लोग को इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अगर कोई इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है तो उसको रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हम लोग एक स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कोई एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट बनाएंगे कैसे, बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है उस समय हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उसी में कि टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कितने टाइप्स होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्म बाय इंस्पेक्शन। उसके बाद हम लोग जाएंगे पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें टाइप वन टाइप टू मतलब कि इसमें भी यही टाइप वन टाइप टू भी है जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेट है। उसके बाद हम लोग इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड एंड हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है ठीक है, इसमें सब इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, नहीं कुछ भी पूछ सकता है कभी। तो इसमें हम लोग सेकेंड और हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल और एक्जुलरी इक्वेशन। उसके बाद हम लोग उसी में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल ठीक है। अब लास्ट 10th जो हम लोग का चैप्टर होगा, सॉरी 10th टॉपिक जो होगा हम लोग का, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर होगा। उसके बाद कॉची इलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है देखेंगे क्यों, क्योंकि इक्वेशन देता पूछता है कि इलिप्टिक के लिए क्या कंडीशन है, पैराबोला के लिए क्या कंडीशन है, हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन है, या दे देगा कुछ बोलेगा कि इलिप्टिक होगा कि पैराबोला होगा कि हाइपरबोला होगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये कोई नहीं बताता है लेकिन हम बताएंगे इसको ठीक है, क्योंकि एक बार मतलब पूछ चुका है ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक्स कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। देखो कोई भी एक टर्म हो, कोई भी एक मतलब कि एक इक्वेशन दिया रहा है तो सबसे पहले उसमें पहचाना जाता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। देखो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कि वाई जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब कि एक्स जो है ना वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। और वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वाई क्या है, वाई डिपेंडेंट हो गया और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट हो गया ठीक है। वैसे ही एफ ऑफ सॉरी जेड इजिकल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई क्या यहाँ पे, एक्स वाई है इंडिपेंडेंट और जेड किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई के वैल्यू पे, तो जेड क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। अब देखो क्या बोलता है डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्व द डेरिवेटिव ऑफ द सॉरी एन इक्वेशन इन्वॉल्व द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स, ये जो होगा ये यही ना डिपेंडेंट है ना। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे डिपेंडेंट वेरिएबल का तो उसको क्या बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अगर कोई एक कांस्टेंट हो गया, सॉरी एक डिपेंडेंट हो गया, एक इंडिपेंडेंट हो गया, तो अगर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट रहे तो उस टाइप की केवल एक ही इंडिपेंडेंट रहे, उसका जो मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन का जो फॉर्म होगा ना केवल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर बहुत सारे हो गया, जैसे यहाँ पे यू है ना, यू क्या है, वो यू यू एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स क्या है, एक्स इंडिपेंडेंट और यहाँ पे वाई डिपेंडेंट है, इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन, डिफरेंशियल क्या है, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंड एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, और पार्शियल क्या बोलेंगे, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि एक्स भी है और वाई भी है। अब देखो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ऑर्डर और डिग्री होता क्या है। देखो ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि देखो ये डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ना ये डेरिवेटिव टर्म होता है, डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव टर्म, अगर डी का पावर वन हो गया तो ये वन हो जाएगा, ठीक है, अगर डी का पावर टू हो जाएगा तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, डी का पावर थ्री हो जाएगा थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, डी का पावर फोर हो जाएगा तो ये फोर्थ ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स का हाईएस्ट ऑर्डर वन टू थ्री फोर, तो उसको क्या बोलेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर कितना है वन, इसका ऑर्डर कितना है टू, इसका ऑर्डर थ्री है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ये है ना, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को एक डिग्री देता है, डिग्री टर्म आता है, डिग्री क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हाईएस्ट ऑर्डर तो हमको मालूम चल गया कि ऑर्डर क्या है, अगर उस हाईएस्ट ऑर्डर का अगर जितना पावर होगा ना, जितना पावर होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये तो क्वेश्चन है ना, चलो क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, चलो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते पहले। देखो क्या रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिग्री होगा ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखो ये क्या है, ये मेरा ऑर्डर था ना, इसका पावर कितना है, इसका पावर वन है ना, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा वन हो जाता है, अगर इसका हाईएस्ट ऑर्डर का ही अगर पावर टू हो जाता तो डिग्री कितना हो जाता, डिग्री मेरा टू हो जाता, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन है कि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस फोर टाइम्स ऑफ रूट अंडर डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो थ्री है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर वन है, तो ऑर्डर के लिए क्या है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर थ्री हो जाएगा। अब डिग्री के लिए जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना उसका पावर जो होता है ना वो डिग्री होता है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, लेकिन हाँ एक मिनट सॉरी एक चीज़ पहले बता दें, ये जो पहले फ्रैक्शन है ना इसको पहले हटाना होगा, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू के इधर लेते आओ और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री टू हो जाएगा। अब यही सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये वाला है, वाई डैश प्लस वाई डबल डैश का पावर फाइव बाई टू प्लस ए वाई डबल डैश का पावर टू बाई थ्री, देखो ये फ्रैक्शन है, सबसे पहले फ्रैक्शन को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, देखो ये जो फाइव बाई टू टू और थ्री का एलसीएम लेंगे और बोथ साइड क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव बाई टू इंटू सिक्स और इसमें क्या हो जाएगा टू बाई थ्री इंटू सिक्स, ये कितना हो जाएगा थ्री, ये कितना हो जाएगा थ्री, ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा ये थ्री है ना, ये टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फिफ्टीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका पावर कितना हो जाएगा फिफ्टीन हो जाएगा और इसका पावर कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा। अब देखो ये ऑर्डर है ये भी ऑर्डर है,
लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर तो टू है। और डिग्री के लिए क्या करेंगे, डिग्री के लिए करेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा ना वो, तो इसका पावर कितना आता है 15 आता था, तो ये क्या हो जाएगा डिग्री 15 हो जाएगा और ऑर्डर क्या हो जाएगा वाई टू है, तो वाई तो ऑर्डर कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसका आंसर दिया हुआ है टू और वन, सब मैं नहीं करूँगा। अब देखो, अब लीनियर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कैसे कर, कब कहेंगे, देखो यहाँ पे डिफिनेशन है वेल डिफाइंड, ये चार स्टेप में ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बता देंगे कि हाँ ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो ये लीनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। सॉरी, देखो डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूनिटी, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था वाई था, इंडिपेंडेंट क्या था एक्स, अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए, उसका पावर डिग्री कितना होना चाहिए वन होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए वन होना चाहिए। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज यूनिटी, और डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स का डिग्री कितना होना चाहिए वन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव शुड नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, मतलब कि वाई और डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो वो लीनियर नहीं है। और चौथा कंडीशन क्या है, ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक और हाइपरबोलिक फंक्शन जो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा वो कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ नहीं होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इन लोग का नहीं होगा, मतलब कि साइन वाई नहीं होगा, ए टू द पावर ऑफ वाई नहीं होगा अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो, कहने का मतलब यही है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे पहचानेंगे कि कौन सा लीनियर लीनियर है, नॉन लीनियर है, ऑर्डर क्या है, होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, ऑर्डिनेट डिफरेंशियल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे डी क्यूब एफ बाई डी एक्स क्यूब प्लस एफ बाई टू डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो ये क्या है डिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट और ये है इंडिपेंडेंट, एफ क्या है डिपेंडेंट है और एक्स क्या है इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मल्टीप्ली डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल एफ और डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन, इसलिए क्या हो गया ये नॉन लीनियर हो गया। ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर थ्री हो गया। देखो होमोजीनियस के लिए एक चीज़ आता है, या तो इक्वल टू जीरो हो गया, जीरो हो गया तो वो क्या होगा होमोजीनियस होगा, अगर कोई भी एक कांस्टेंट आ गया या इंडिपेंडेंट टर्म आ गया, मतलब कि इंडिपेंडेंट यहाँ पे जीरो के बदले कोई भी फाइव आ गया या कभी भी एक्स हो गया डी वाई बाई डी एक्स का टर्म बता रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया होमोजीनियस है जीरो है तो, और यहाँ पे क्या ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्यों, क्योंकि ये एक के टर्म में ही है, ठीक है। वैसे ये क्या है, सबसे पहले जीरो है तो ये होमोजीनियस होगा, चलो होमोजीनियस है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर टू है, चलो ऑर्डर टू है। अब देखो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई ना, वाई का किसके साथ मल्टीप्लाई, ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसीलिए क्या ये नॉन लीनियर है और ये ऑर्डिनरी है क्योंकि डी एक्स एक्स ये है, तो इसलिए ऑर्डिनरी हो गया ये वाला। हाँ ये वाला आपको देखना है क्योंकि ये इस टाइप का इक्वेशन जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है लीनियर होता है हमेशा, इसमें कोई डाउट ही नहीं रखना है। होमोजीनियस के लिए सोचना ही नहीं है, जीरो है, ऑर्डिनरी के लिए सोचना ही नहीं है, फोर्थ ऑर्डर है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है गेट ये, इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा खुद, सब मैं नहीं करूँगा। ठीक है, बाय, अगले वीडियो मिलते हैं।